अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है कल जो मैंने व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी शॉपिंग, स्टोरेज बॉक्सेस लेके आई थी, उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ आज आपके साथ। और साथ में एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बैगन के भरते की। खाने में आज हमारे पास जो है ना बैगन का भरता और चिकन का सालन बन रहा था। चिकन के दही वाले सालन की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी बैगन के भरते की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बस जल्दी से आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो जाए। अच्छा, ये ब्लू वाला जो था इसका 3 पीसेस का सेट था और बाकी जो चकोर वाला बॉक्स मैंने अभी आपको दिखाया था वो सिर्फ एक ही सिंगल सेट था। उसके अंदर मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे मैदा रखना है, और बाकी जो ये 3 बॉक्सेस थे ना तो इसमें मैंने अभी सोचा नहीं कि मुझे क्या चीज़ें इसके अंदर डालनी है, क्योंकि अभी मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो बहुत सारे जो पुराने बॉक्सेस थे ना वो मुझे रिमूव करने किचन में से, फिर मैं इसके अंदर सोचूंगी कि मुझे क्या जो है रखना है। अच्छा, इस बॉक्स को जो है वो मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि 10 हाथ आपके लगते हैं शॉपिंग करते हुए। वैसे तो ये पैक हुआ हुआ होता है लेकिन फिर भी वॉश कर लेना चाहिए। तो बस मैदा जो है ना मैंने इसमें डाल दिया था। तकरीबन इसमें जो है ना 1 किलो के करीब स्पेस था पूरा, और 1 किलो मैदा मैंने ये ऐड किया था। बाकी थोड़ा सा मैदा मेरे पास और भी रखा हुआ था पहले का, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये बॉक्स बिल्कुल फुल हो गया था और ये सिक्योर भी है, इसमें से लीक वगैरह भी नहीं होगा, तो अच्छा था ये। साथ साथ जो है मैं रेसिपी की प्रिपरेशन कर रही हूँ बैगन के भरते की, जिसके लिए मैंने 2 अदद बैगन लिए हैं, 1 टमाटर ले रही हूँ। अच्छा, बैंगन पे जो है ना आपने दोनों साइड से कट लगाना है इस तरीके से, और टमाटर को हम ऐसे ही रखेंगे, टमाटर को नहीं लगाना है। साथ साथ जो है ना मैं 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लूँगी, और प्याज को भी आपने बिल्कुल लाइट, जैसे अंडे की प्याज आप काटते हो ना स्लाइसेस में चॉप की हुई, वैसे ही आपने बिल्कुल प्याज भी काटनी है। अच्छा, प्याज जो है वो हमारी ऑलमोस्ट कट गई है। प्याज जब आपकी कट जाए तो हम अपना मेन स्टेप की तरफ जाएंगे। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसके ऊपर जो है ना मैं एक स्टैंड रख दूँगी, और स्टैंड के ऊपर जो है ना आपने अपने दोनों बैगन और टमाटर को रखना है। अब हम इसको आग पे पकाएंगे और पलटते रहेंगे ताकि ये जले ना, और साथ साथ जो है ना मैं इसमें 2 अदद हरी मिर्चें भी पका रही हूँ आग में। इससे ना आपके भरते में स्मेल बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है, तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अच्छा, जब बस आपने नॉर्मल हल्की सी मैंने इसको पकाई थी, बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है हरी मिर्च, बस इतनी पकानी है कि इसका फ्लेवर आ जाए। और इसको टमाटर को आपने ज़्यादा देर तक नहीं रखना आग पे, बस इसकी स्किन जब थोड़ी सी ब्लैक होने लगे ना तो आप इसको हटा लीजिएगा, क्योंकि टमाटर पे पानी छोड़ने के लिए लग जाता है। बस इस कंडीशन में आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी बैंगन आपके थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो दोनों वैसे हो गए थे, तो अब इसको भी मैं हटा लूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि जो हमारा अंदर का मतलब गूदा जो होगा ना बैंगन का वो सॉफ्ट हो जाए, ऊपर से स्किन आप बेशक जो है वो जल जाए, वो हमने रिमूव करनी होती है। तो टमाटर को भी हमने स्किन जो है वो रिमूव कर लेंगे, और एक एक करके बैगन की भी स्किन जो है ना वो फ़ौरन रिमूव हो जाती है। गरम गरम अगर आप रिमूव करेंगे ना तो फ़ौरन रिमूव हो जाएगी, ठंडा करके जो है रिमूव करेंगे तो वो फिर चिपकेगी, तो इसलिए गरम गरम बैगन की जो है ना वो रिमूव कर लें। और अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है ना बैगन के भरते की, ये जो है ना मैं पहली बार आमना हमना को ट्राई करवाने वाली थी, क्योंकि आमना हमना ने इससे पहले कभी भी नहीं खाया, और ये हमारे घर में ना बहुत बनाई जाती। मेरी मदर जो थी ना वो बहुत मज़े का ये बनाती थी। बैगन के अलावा सिर्फ टमाटर का भी ये बनता है, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो खैर, टमाटर को हमने स्क्वायर शेप में ना बारीक बारीक काट लेना है, और इसको फोक की मदद से आप इसको स्मैश कर लें ताकि थोड़ा सा गूदा टाइप का ये बन जाए। और तो ये रेडी हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। एक पैन लिया है मैंने, उसके में जो है ना मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, जब ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और प्याज को भी जो है ना हमने सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाना है, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं करना है। जब प्याज आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी ना और हल्का सा कलर चेंज करने लगेगी, जब आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 चम्मच। और मैंने भुर्ते के हिसाब से ऐड किया, अगर आप ज़्यादा बना रहे होंगे तो 2 टेबल स्पून ऐड कर देगा। और साथ साथ जो हमने अभी मसाला बना के रखा था बैंगन टमाटर और हरी मिर्च का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और ड्राई मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। पहले मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, इसके साथ साथ मैंने 1/2 टी स्पून हल्दी ऐड करी है, 1/2 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और इसको ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस यही 3 इंग्रेडिएंट जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना हमारे पास मसालों के, वो ऐड होते हैं इसके अंदर। बहुत ही इजी सी एंड क्विक सी मज़ेदार सी रेसिपी है। भरता हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ना बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो रिसीव हो जाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, बस इसके ऊपर बस हमने एंड में जो है ना वो हरे धनिए की गार्निशिंग करनी है। आप चाहें तो उसके ऊपर हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं करी थी क्योंकि हमने नहीं भी खाना था, सिर्फ हरा धनिया मैंने इसमें ऐड करा था। बस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।